एक एक कर निकले इतने सांप की देख कर लोग हो गए दंग। यूपी के देवरिया जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ही घर से करीब दो दर्जन कोबरा सांप बरामद हुए हैं। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 17 सांपों को पकड़ा है। सभी सांपों को ग्रामीणों ने एक डिब्बे के अंदर बंद किया। वहीं इस दौरान कई सांप तो मौके से भाग भी गए। वहीं इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। ऐसे में अब ग्रामीण घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। सांपों का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई सारे सांप एक डिब्बे में बंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बरहेज थाना क्षेत्र का परवार गांव का है। यहां जब घर वालों को फन निकाले हुए एक कोबरा दिखाई दिया तो वहां मौजूद सभी लोगों ने सांप को पकड़ने का प्रयास किया। इसी बीच कई सारे सांप एक एक करके बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में वहां पर एक दर्जन से अधिक सांप निकल आए। बड़ी संख्या में सांपों को देखकर घर के लोगों के साथ आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल हो गया। इतनी बड़ी संख्या में एक ही घर से सांप मिलने की खबर थोड़ी ही देर में पूरे गांव में फैल गई। वहीं किसी तरह से स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर सांपों को पकड़ा। ग्रामीणों ने दो दर्जन सांपों को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया गया। हालांकि इस दौरान कई सांपों के भाग जाने की भी सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि कपरवार उत्तर टोला में सुरेश शर्मा गांव के बाहर मकान बनाकर रहते हैं। गुरुवार को उनके घर के अंदर एक कमरे से सांप निकला। सांप को देखकर महिलाओं ने शोर किया। जब लोग वहां पहुंचे तो सांप को पकड़ने का प्रयास किया जाने लगा। देखते ही देखते सांप निकलते गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह 17 सांपों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 6 सांप इधर उधर भाग गए। पकड़े गए सांपों को डिब्बे में बंद कर उग्रसेन सेतु नदी के पार छोड़ा गया है।